और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। बताते चले कि 16 अप्रैल को रोहित की संदिग्ध मौत हो गई थी। डॉक्टर्स ने पुलिस से संपर्क कर रोहित की 12 सालों की मेडिकल हिस्ट्री मांगी है ताकि रोहित के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। परिजनों ने पुलिस को बताया है कि रोहित को 2007 में पहली बार दिल की समस्या हुई थी। इसके बाद उनकी सर्जरी की गई थी। दिसंबर 2018 में दोबारा उन्हें दिल की समस्या हुई और इस बार सर्जरी साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में हुई थी। इसके बाद से वो लगातार मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के संपर्क में थे। तो क्राइम ब्रांच सुलझाएगी रोहित की मौत की गुत्थी, क्योंकि 16 अप्रैल को हुई थी रोहित की मौत। अब संदिग्ध मौत हुई, जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर्स ने रिपोर्ट मांगी है 12 साल की, और ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या इस पर निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल संदिग्ध मौत हुई, अचानक से हार्ट अटैक बताया गया। अब लेकिन इस पूरी गुत्थी को क्राइम ब्रांच सुलझाएगी।